नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आपका ये भाई YouTube पे कभी भी कोई वीडियो अपलोड करता है तो उस वीडियो के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी यही रहती है कि आपका उसमें किस तरह से प्रॉफिट हो। तो उसी तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये भी वीडियो उसी तरह के बातों पर डिपेंड होते हुए आपको ये वीडियो में आपको लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों आपको जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो के थंबनेल और टाइटल देख के पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर जाने वाला है। दोस्तों आज देश के 100 में से 90 प्रतिशत जनता चाय के साथ में ब्रेड का सेवन रोज ही करती है, किसी अंडे ब्रेड के रूप में या कोई ऐसे सादे या बिल्कुल ये ना खाने के तौर पे ही ब्रेड का इस्तेमाल हर जगह किया जाने को देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है जो शौक से आप ब्रेड खा रहे हो, आप अपनी दिनचर्या में ले रहे हो, आपको किस तरह से आपकी बॉडी पर वो नुकसान कर रहा है आपको बिल्कुल भी उसका अंदाजा नहीं है। फिर बाद में दोस्तों आप लोग है ना उस संभावना को, उस परेशानी को सामना करना पड़ता है और उसके बाद में आपको आगे बहुत ज़्यादा देर होने के कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्रेड खाने से आपके शरीर पे किस तरह के 5 तरह के नुकसान देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इसी वीडियो को लास्ट तक। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपक सक्सेना और आप देख रहे हैं बातें अनसुनी से। आप इस वीडियो के चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटे का आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी दबा के ऑल की नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हम भविष्य में कोई भी वीडियो डाले तो आपका उसको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रेड खाने से आपके शरीर पे किस तरह का पहला नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों जब आप ब्रेड का सेवन करते हो तो ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है जिससे आपके शरीर में फैट बढ़ता है। जो एक्स्ट्रा चर्बी आ जाती है उसके कारण आपके अंदर बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा दोस्तों, जिससे चर्बी, पेट की चर्बी, कहीं भी इधर उधर चर्बी फैट में देखने को मिल जाती है और जिसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाता है और आप खुद ही जानते हो। उसके बाद में दोस्तों सबसे मेन कारण, दूसरा कारण है आप ब्रेड खाने के नुकसानों में आँखों की रोशनी में भी कमी देखने को मिलती है। जिन लोगों को आँखों की रोशनी कम होती जा रही है दिन पर दिन, उन लोगों को आप ज़रूर पूछेगा कि भाई तू ब्रेड का सेवन तो नहीं कर रहा है, वो ज़रूर कहेगा कि हाँ मैं ब्रेड भी खाता हूँ, लेकिन उसको इस चीज़ से बिल्कुल भी वंचित नहीं था कि वो आँखों की रोशनी पर उसी चीज़ का उसका प्रभाव देखने को मिल रहा था। दोस्तों अगर आप ब्रेड खा रहे हो तो आपकी आँखों की रोशनी जानी है, बहुत ज़्यादा दिन पर दिन कम देखने को मिलेगी लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी आँखों की रोशनी कम हो गई। तो दोस्तों आँखों की रोशनी बचानी हो तो ब्रेड का सेवन आज से ही बंद कर दीजिए या कम से कम खाइए। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके शरीर में ज़्यादा चर्बी हो जाने के कारण आपको हार्ट का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, जैसे कि हार्ट अटैक नाम की बीमारी भी शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ जाने के कारण ही देखने को मिलती है। वो बात अलग है कि मानसिक तनाव के कारण या ज़्यादा टेंशन करने के कारण हार्ट अटैक आता है, लेकिन दोस्तों जो उसका मेन कारण है, जो हार्ट अटैक का मेन कारण है, आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट जो बढ़ जाता है, जो चर्बी बढ़ जाती है, उसके कारण से आपके हार्ट पे जो उचित मात्रा में रक्त पहुंचना चाहिए वो रक्त नहीं पहुंच पाता, रक्त का दबाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जिसके कारण आपके हार्ट अटैक देखने की संभावना भी मिल जाती है। इसलिए दोस्तों ब्रेड आपको दिखने में नॉर्मल लगता है लेकिन आपके शरीर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि मैं आपको चौथा कारण बताने जा रहा हूँ, दोस्तों अगर आप ब्रेड का सेवन करते हो तो उम्र के रहते रहते इंसानों की चमड़ी क्या सिकुड़ती है, लेकिन जो ब्रेड का सेवन ज़्यादा करते हैं उनकी चमड़ियाँ बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा चमड़ी जल्दी सिकुड़ने लगती है। लगता नहीं कि 30 की उम्र में ही वो 40 का उम्र का लगने लगता है। चमड़ी की सिकुड़ना भी इसी तरह की ब्रेड खाने से ही देखने को मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब आपके शरीर में ब्रेड का सेवन ज़्यादा हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, शरीर आपको उसमें उचित प्रकार में नहीं ले पाता तो उसमें आपको सांस लेने की तकलीफ भी देखने को मिल जाती है। ये थे दोस्तों कुछ 5 कारण जो आपको ब्रेड खाने से नुकसान आते ही आते हैं। अगर आप इस तरह की जो बीमारियां मैंने बताई हैं, जो तकलीफें मैंने बताई हैं, उससे बचना चाहते हो तो दोस्तों मेरी राय मानिए, आप ब्रेड खाना बहुत जल्दी कम कर दीजिए, लेकिन क्योंकि आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और हाँ बात दोस्तों, सबसे लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, जिसका वेट बहुत ज़्यादा कम है, जिसका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, वो इस ब्रेड का सेवन करिए, उनका वज़न दिन पर दिन इतनी जल्दी बढ़ जाएगा उनको खुद अनुभव भी नहीं हो पाएगा। ब्रेड का सेवन कीजिए सुबह शाम अगर वज़न बढ़ाना चाहते हो, लेकिन दोस्तों अगर आप अपने शरीर को नुकसान से बचाना चाहते हो तो ब्रेड का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। तो दोस्तों आज का हमारे वीडियो इसी तक का तरह का था। अगर आपको हमारे वीडियो में जो आज की जानकारी इंपॉर्टेंट लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, इस भाई को सपोर्ट करना दोस्तों। ज़्यादा कुछ नहीं, आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमारा हौसला बुलंद होता है, आगे इसी तरह की हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू दोस्तों।